हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हो गई है दोपहर, मेरे को मिल गया थोड़ा सा टाइम, चलते हैं कहीं अच्छी सी जगह पर, लंच करके आते हैं। लग रहा है मैंने कह रही हूँ ना, टीवी वीडियो ज़्यादा ध्यान से देख ली। सो देखेंगे आज कहाँ जाना है, एंड थोड़ा लेट भी हो गया है तो आई थिंक यहाँ के रेस्टोरेंट्स ऑलमोस्ट ओपन हो ही गए होंगे। तो चलते हैं फटाफट से, खा कर आते हैं खाना। एंड हाँ, आ गया है कल वाला ब्लॉग, तो आप जाकर देख सकते हो। एंड अगर आपको मेरे फालतू ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखा, कर दिया प्रमोशन, ये यूट्यूबर्स की आदत, सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं फटाफट, खा कर आते हैं कुछ बढ़िया सा, लेट्स गो। आज सारे रेस्टोरेंट्स ही बंद हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे मिर्ची आती क्यों होता है। बंद बंद बंद, ये खुला तो गाइस ये रेस्टोरेंट खुला हुआ मिल गया मेरे को। पता नहीं, कुछ तो कंस्ट्रक्शन टाइप का चल रहा है तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद है। सो मैं आ गई हूँ डियर नागा रेस्टोरेंट। वेट करना खाने का, बैठ गए। सो गाइस मैंने ऑर्डर की थी वेज थाली, जो कि देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो मैंने सोचा चलो अभी से फटाफट फटाफट खा लिया जाए। तो मैंने स्टार्टिंग की राइस से, राइस विद दाल एंड राजमा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था टेस्ट में, क्योंकि आई डोंट नो ये लोग दाल कैसे बनाते हैं कि वो उसके अंदर ना दाने नहीं बचते, और वो पानी और दाने अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल एक जैसी दाल होती है इनकी, बिना दाने वाली। मतलब वो पतली नहीं होती, वो गाढ़ी दाल होती है और टेस्टी होती है बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो अब जिंजर टी पी लेते हैं, बट मेरे को इनकी जिंजर टी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो गाइस मैं आ गई हूँ खाना खा के, और देखो मैं क्या क्या लेके आया। डीकोल टोटल, क्योंकि मेरे को सर्दी हो रही है, स्ट्रेप्सिल्स क्योंकि मेरे को सर्दी हो रही है, और काजल क्योंकि मेरे को काजल लगाना है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि नकली रिव्यू दूं या ऑनेस्ट रिव्यू दूं। चलो मैं ना ऑनेस्ट वाला रिव्यू दे देती हूँ, मेरे को क्या करना है। सो आज वाला रेस्टोरेंट मुझे इतना कोई खास ज़्यादा पसंद आया नहीं। खाना अच्छा था, 60-40 मान लो, 60% अच्छा, 40% बेकार। उनका वो पालक का जो भी था वो मेरे को पसंद नहीं आया, उनकी वो टमाटो वाली चटनी मेरे को पसंद नहीं आई। नेक्स्ट आ जाओ, उनका वो क्या था, अरे एक और चीज़ थी ना यार, उनके वो फ्राइड आलू जो भी थे वो मेरे को पसंद नहीं आए, ठीक है, और क्या नहीं पसंद आया। और मेरे को उनकी जिंजर टी नहीं पसंद आई, उन्होंने ना वो पैकेट वाली जिंजर टी आती है ना, जैसे ग्रीन टी के पैकेट्स आते हैं ऐसे जिंजर टी के भी पैकेट्स आते हैं, तो उन्होंने वो वाली जिंजर टी बनाई थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी टेस्ट में। मतलब वो चाहते तो वो अच्छी बना सकते थे, जैसे अरुणाचली वालों ने पिलाई थी मेरे को अच्छी सी जिंजर टी, बट आज वालों की इतनी अच्छी नहीं थी। राइस वॉज गुड, दाल वॉज गुड, राजमा भी अच्छे थे। मैंने बोला ना वही 60% अच्छा, 40% जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो ख़राब। एंड हाँ, उन्होंने जो मेरे को बॉइल्ड वेजिटेबल के नाम पे कच्ची वेजिटेबल दे दी थी, अगर वो उन्हें पका देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट उन्होंने लगा कि यार कच्ची भी खा ही लेगी, बट मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आई। लौकी को पकने में कितना ही टाइम लगता है, 5 मिनट और ले लेते, मैं तो वेट कर ही लेती। लौकी का पीस था वो भी कच्चा था, भिंडी थी वो भी कच्ची थी, और वो बॉइल्ड वेजिटेबल में मेरे को भिंडी और लौकी दी थी उन्होंने, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो मैं इसको 60% अच्छा और 40% बेकार वाला वो दूंगी। 100% अच्छा नहीं है, 99% होता तो भी मान लेती, 75 होता तो भी ठीक था यार, ये तो 60-40 में रह गया। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, अगर अच्छा होता तो मैं कहती आप ज़रूर ट्राई करना, बट
मुझे इतना कोई खास ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर।